नहीं ना आदि का भी तारीफ कर दो आदि आदि भाई सुन लीजिए आदि भाई आपके लिए अरे यार यार आदि भाई डर जाइए चुप साले चलो ठीक है थैंक यू मेरा गला मेरा खुद का क्या हुआ है चलो बाय बाय गाइस रेडी का प्रोडक्शन जा रहा है प्रोडक्शन दो कैमरा बंद करे फोटो आदि भाई फोटो आदि भाई वीडियो आराम से धक्का मत मारिए अब कौन मिलेगा आपसे बॉडीगार्ड क्या कर रहे हो साइड में साइड हमको साइड में उसको आप लोगों को लगता है ना कि हम क्यों कर रहे हैं आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझो हमारे लिए बहुत अनरियल है अनरियल है तभी मैं अभी सोचे सुना क्या आवाज आ रही है यार तो मैं फिर मेरी मम्मी बोलती ना किसको देखता है किसको देखता है अब बताऊंगा किसको देखता हूं हम तो गरीब लोग हैं यार अरे आप ही लोग हम तो गरीब लोग हैं आप शेर को याद नहीं कर लोग आ गए हमको भी कोई याद भी नहीं कर रहे इग्नोर कर रहे चले आदि 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 पता है मैंने 10 दिन में कितना लूज किया सिर्फ डाइट से और 20-25 मिनट वॉक डेली कितना 4 किलो कहाँ देखा तूने यहाँ पे तो वेइंग मशीन ही नहीं घर में जरूरी मशीन पे करना रहता तो फिर क्या आप ऐसे माइंड में ऐसे सोचो या ऐसे क्यों बैठे हैं आप तो जिम में कर रहे नहीं है थोड़ा सा बाकी है यहाँ पे हटाओ ना थोड़ा सा बाकी है थोड़ा यहाँ पे टायर थोड़ा ही बाकी है देख लो मेरे को अभी शर्म नहीं आ मेरी जान थोड़ा ही बाकी है हाँ यहाँ से अंदर चला गया ठीक है थोड़ा सा ही बचा है बस 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 तू दिखाइए उमंग दिखाना उमंग टपक रहा है साइड ग्रुप दिखाना सुबह क्या खाया नॉर्मल इट्स नॉर्मल आजकल मैं सुबह उठते ही पोछे की गाली सुन के आज तो आपने नाम क्या सोचा है और कब से सोचा है सोच रहे अभी नाम तुम लोग सजेस्ट हां स्टोरी बता तेरी स्टोरी बता स्टोरी क्या है मेरी की मैं पिछला शहर में शादी कर रहा था हां तो मेरी दुल्हन जो है वो भाग गई हां तो मैं ये शहर में आया हूं दुल्हन ढूंढने के लिए और यही शहर में मेरी शादी भी हो गई अच्छा। तुम सबको बुलाएंगे अगर दोस्त बने तो ठीक है ठीक है अगर कोई बाय चांस दुश्मन बन गया मेरा यहाँ पे हाँ। तो बहुत महंगा पड़ेगा मैं और मियाँ तो लेंगे भाई दुश्मनी रोज उठे तू रोज उठे टर्न बाय टर्न उठाएंगे 7-8 ऐसा ना हो कि तू ही दुल्हन बन जाए हमारी रोज उठ रही है यही दुल्हन बनेगा सो गाइस इट्स डे 2 एंड कल का दिन ज़्यादा व्लॉग नहीं हो पाया क्योंकि मैं स्ट्रीम करने के लिए बैठ गया था एंड उसके बाद रात में जैसे कि मैंने बताया था कि प्लान था कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे मोहम्मद अली रोड बट फिर लेटर ऑन प्लान ये बन गया मर्सी और थग और मैं बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला कि आज ऐसा करते हैं कि स्ट्रीम कर लेते हैं आज भी क्यों निकलना मतलब जब हम लोग कल आईपीएल के लिए मतलब आज आईपीएल के मैच के लिए जाएंगे ही तो ऐसा करेंगे कि आईपीएल का मैच देख लेंगे एंड देन फिर उसके बाद वहाँ से खाने पीने चले जाएंगे तो एक ही दिन में दोनों काम हो जाएंगे तो यही सीन है आज तो अभी खैर 4 बज रहे हैं दिन के हम लोगों को निकलना है 4 बजे क्योंकि मैच वैच के लिए हम लोगों को पहले से पहुंचना है थोड़ा सा टाइम से एंड देन आज वही लगता है मुझे कि रात के 2-3 बजेंगे वापस आते आते क्योंकि खा पी के आएंगे तो टाइम लगेगा सो यस आई एम ऑल रेडी दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग एंड अभी चलते हैं नीचे एंड देखते हैं कौन क्या कर रहा है लेकिन बताना कैसा लग रहा हूँ ठीक है थोड़ा सा तो पतला सा लग रहा हूँ ठीक है चलो अभी चलते हैं नीचे एंड देखते हैं कौन कौन रेडी हो गया चल भाई अबे अजीब बदतमीज आदमी है 20 मिनट लगे मुझे तैयार होने में 20 मिनट में मैं क्या कर रहा हूँ मैं भाई ना मेकअप करना है ना पुताई अब कोई है वो वॉशरूम में अब कोई नहीं है आदि घुसरा था हाँ आदि घुसरा था टू सपोर्टिंग आई मीन अर्जेंटीना क्रिकेट फैन बट अर्जेंटीना बट मुंबई है तो
आई विल सपोर्ट मुंबई. मुंबई मेरी जान. आम जी मुंबई. मतलब है यार मुंबई. मेरे को याद है फर्स्ट सीजन में मैं देखने जाता एक 3-4 मैचेस देखने गया था क्योंकि मेरी मॉम का एक प्रोफेसर टिकट देता था 500 रुपए वाली फ्री की सचिन तेंदुलकर स्टार वाली. तो तभी से एक हल्का सा कनेक्शन है. मतलब इट्स लाइक अ ओल्ड कनेक्शन. नो नो पर्टिकुलर रीजन. आई डोंट केयर दे वन सो मेनी ट्रॉफीज और एनीथिंग. ऐसे ही कनेक्शन है मुंबई. या मैं तो केकेआर फैन हूं. मुझे कौन सा मुझे क्या सपोर्ट करना चाहिए आज आपको. देखिए मुंबई में हो अभी और यू नो आप स्ट्रीमिंग आपकी मुंबई से होती है. ब्लॉगिंग आपकी मुंबई से होती है. मतलब चेन्नई मैंने सुना नहीं है कभी. ठीक है. हां करेक्ट. आप डिसाइड कर लेना. आप ठीक है. वैलिड पॉइंट है. मुंबई सपोर्ट करेंगे. ऑल्दो आई एम धोनी फैन लेकिन मैं मुंबई सपोर्ट करूंगा. ठीक है ना आज के दिन के लिए. और कल जो है सिड भाई ने ज़बरदस्त राड़ा छेड़ दिया था चैट में. MICSK का चल रहा था मेरी लाइव स्ट्रीम में तो इन्होंने ऑन टॉप ऑफ दैट रोनाल्डो मेसी भी छेड़ दिया था मेरी चैट में. जो है खुद तो स्ट्रीम कर नहीं रहे थे. मेरी चैट में बवंडर ले आए थे. मैनेज हो गया फिर. चैट एंगेजमेंट के लिए वो 3-4 टॉपिक बेस्ट है. वन पीस वर्सेस नारुतो मेसी रोनाल्डो MICSK MIRCB छेड़ दे रहे हैं एंगेजमेंट. इन्होंने वो मेसी रोनाल्डो छेड़ा साइड से मॉर्टल आया. उन्होंने नारुतो कह दिया. नारुतो बेकार है. उसके ऊपर मावी आए बोले मुझे तो सब कार्टून लगते हैं. इतने महंगे टिकट में जा रहे आज अभी बैटिंग कर रहे हो. हां फील्ड पे तुम ही रोक रहे हो. किसको सपोर्ट कर रहे हो आज. मुंबई ना. अरे यार तू यार मतलब मैं रहता हूँ इसलिए. सेम देखो गाइस जबरदस्ती पीछे बिठा दिया गया. मैं डिमोट हुआ हूँ गाइस. डिमोट हुआ. 3 लेयर्स हैं इस गाड़ी में. हाँ. और डिमोट होता चला गया हूँ मैं. काश अगर मुझसे मेरे यहाँ पे दर्द है. यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे दाना निकला है फिर भी मैं यहाँ बैठा हूँ. और एक बंदे ने बोला है कि मैं ऐसे बैठ रहा हूँ तो कंधे में दर्द हो. मतलब घुटना बोलता एक बार को समझता भी नहीं. मतलब कंधा बोल रहा है. कोई बात नहीं मामा. कभी कभी डिस्कम्फर्ट will take your head in life. देखो ऊपर वाले ने soft hearted क्यों लाया. same here bro. पिघल जाता हूँ. लड़का हो चाहे लड़की पिघल जाता हूँ मैं. नहीं सकते अब. अगली बार नहीं बैठूंगा मैं साले. कैसा लग रहा है आपको. मेरे को तो मेरे लिए तो नॉर्मल नहीं. आप 4,000 से 40,000 के टिकट में आ रहे हैं. आपको कैसा लग रहा है. जहाँ 4,000 भी नसीब नहीं हो रहा था आपको टिकट सोल्ड आउट थे वहाँ 40,000. भगवान कह रहे थे यार बेटा जाओ तो अच्छे में जाओ. अच्छे में जाओ. हाँ जी. चले आज आपको हम मैच दिखाते हैं. मैं पहले आप दिखा रहे हैं. आप कवर कर रहे हैं मेरा. नहीं मैं आपको बस दिखाएंगे. दिखवाएंगे. अच्छा पहली बार मैं जा रहा हूँ स्टेडियम कोई मैच देखने. मेरा सेकंड टाइम. आज तक मैंने कोई मैच किसी भी स्पोर्ट का स्टेडियम में नहीं देखा लाइव. फर्स्ट है. गाइस अपना टिकट का जो जुगाड़ हुआ था वो बंदा आ रहा है टिकट देने के लिए. 20-25 मिनट का वेटिंग टाइम बता रहा था. यार भूख नहीं लग रही यार रात इधर को. बड़ा पाव मिल जाता तो मजा आ जाता यार. उमंग आए. उमंग मुंबई मुंबई से कितना बड़ा मुंबई का फैन. उमंग क्या वाला बड़ा पाव. बड़ा पाव वर्ली क्रॉस करके मिलेगा. बड़ा पाव नहीं मिलेगा इधर. कहां ना मिलेगा वो कोने पे जा वहां पे मिलेगा बड़ा पाव. जा मॉडर्न रास्ता है ये वाला. यहां पे बड़ा पाव नहीं मिलेगा. बस इधर से आएगा. ट्राइडेंट में रहते वो लोग. जब इसको मैंने पूछा कौन सा होटल में रहते ये बोला नहीं मेरे को. गाइस अभी जब आग बंद करी थी गाड़ी में तब शाम हो रही थी और अभी रात हो रही है. बहुत जाम है. बहुत जाम है. तो हम लोगों ने उमंग से कहा कि उमंग तुम पहुंच जाओ गाड़ी क्या कहते हैं तुम लगा देना. हम लोग पैदल पैदल पहुंचते हैं. तो अभी हम लोग बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं. और यहाँ पे देखें जर्सी वर्सी लेके पूरा तैयार. लेट्स गो
पूरा पम्प्ड अप है ये। मैं ज्यादा हूँ, मेरा पहला है, पहली बार मैं जो स्टेडियम में देखने वाला हूँ। भाई रिकॉर्ड करेगा मैच और अब कोई कॉपीराइट दे के दिखाए। हम दोनों मुंबई इंडियंस के सपोर्टर बीच में ये अच्छा ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। मैं वो इंपोस्टर हूँ जो आप लोग कभी खेले नहीं हो जिसके साथ। इतना ज्यादा क्राउड उछल रहा है लेकिन हालात बहुत खराब चल रहे हैं भाई। टीम एक छक्का एक बॉल पे, एक चौका एक बॉल पे और एक छक्का एक बॉल पे। फिर मैं अपने सीएसके को नहीं जाऊंगा। आउट है ब्रदर, आउट है, आउट है ब्रदर। क्या हो गया? फ्लैग फ्लैग दिया, हाथ लेता झोली में दिए, ये कौन सा एक अच्छा स्कोर आने वाला है। शॉट भाई, यार भाई ऐसे, भाई ऐसे स्कोर दे देते हैं भाई, ऐसे स्कोर दे देते। तुम्हें चाहिए था ना अच्छा स्कोर, अच्छा स्कोर चाहिए था ना। ठीक है अभी 157 होगा मेरे को। अब बढ़िया कर दिया, नीचे ज्यादा मार दिया यहाँ पे। कहाँ भाई कहाँ, बहुत जोश में, जोश में, जोश में है भाई, जोश में। तीसरी बॉल में बोल्ड हो गया मैटर। वो भाई से दो बॉल में नहीं हो रहा था, समझ गया था। अच्छा 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 उनका चढ़ना जरूरी है। अच्छा गाइस, मतलब थोड़ा सा स्टंप उखाड़ दिया है। फ्लैग्स ही फ्लैग्स आ चुके हैं। अरे ये वन वन इस तरफ नहीं आना चाहिए था, 140 कुछ गलत कर दिया है क्या स्कोरिंग बोर्ड में? नहीं तो भाई से उनको भी स्ट्रीम करना है, ठीक है जा रहे हैं। अरे अरे वो तुमसे तो मिला ही नहीं मैं, कहाँ सर। अलग ही जोश में, लेकिन हम यही बोल रहे हैं कल से वानखेड़े मुंबई स्टेडियम में भाई सीएसके के इतने शॉट पे, और भाई रहने पे जा रहा है, पीटे ही चला जा रहा है। रहने भाई कितना बना दिया भाई उनने, भाई एक बार तुम शॉट देखो, 39 मार दिया ना। अरे भाई हटो भाई, हटो भाई सामने से, हटो भाई, भाई सामने से हटो भाई, भाई सामने से हटे आप। वैसे मर्सी की, वैसे मुंबई इंडियन सपोर्ट कर रहा था, मर्सी का चेहरा देखिए तो मैं इस्तीफा देता हूँ। अभी इस मैच के लिए सॉरी, लॉजिक से हट रहा हूँ मैं। आई एम जॉइनिंग हैंड्स विद इबित थग। यस सी यू इबित थग इज माय बेस्ट न्यू बेस्ट फ्रेंड। वो वाला पोस्टर बनाओ मी एंड भाई, कुछ नहीं बताया यार मैच में, कुछ नहीं छोड़ा। 62 out of 61 भाई, एंड धोनी भाई ऑन स्क्रीन। बाहर का एटमॉस्फेयर देख कर आना है, कुछ नहीं है, गर्मी का भाप आ रहे हैं गाइस। मुंबई वाले सारे जा रहे हैं और जो नहीं जा रहे हैं क्या दल बदलू भाई, मैं तो KKR है भाई। मुझे इसमें कोई भी चूज करना पड़े, मैं कर रहा था यार। जल्दी खेलो, जल्दी खेलो।
आज ही मजा आ रहा है क्या? रहाने क्या मार के गए? सिक्सर मार रहे हैं तो बापू को बुलाओ। बापू, बापू, ए बापू। पहली बार लाइफ में ऐसे चैंट कर रहा हूँ। अलग फील है गाइस, अलग ही फील। लेट्स गो भाई, लेट्स गो मुंबई इंडियंस। धोनी का फैन हूँ, ठीक है ना, चलेगा ना इतना। विकेट से खुश नहीं हो रहे लोग, इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि धोनी आ रहा है। मजा आ रहा है ना, लोग अभी खुश हुए जब सीएसके वाले भी खुश हुए और मुंबई वाले भी जब विकेट गिरा, उनको लगा धोनी आने वाला है। कुछ कुछ बोलते हैं कि जड्डू आने वाला है, कोई दोनों में से कोई नहीं आया। स्ट्रीम करने भाई। गाइस सिक्स पड़ गया और इसी के साथ हमारी इनिंग्स कंक्लूड है आज के लिए वानखेड़े में। चल देख के जाएगा इधर ही रहेगा। हां ठीक है, तू यही रहे, तू अपना जुगाड़ कर लियो, ठीक है। ओके गुड बाय, सी या। हो गया खत्म, रुको ना यार। हां भाई रुको ये ना, ये बच्चे को आपकी जिम्मेदारी में छोड़ के जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखेगा। 19 साल का बाबू है, ठीक है ना। वन धोनी, वी वांट धोनी, वी वांट धोनी, ओ भाई। सुनने दे मेरे को, मुझे मर्सी को सपोर्ट करके खराब लगा, सिर्फ मर्सी की वजह से मैं एम आई करा, क्योंकि एम मर्सी डाई हार्ड फैन है, मर्सी डाई हार्ड सपोर्टर ऑफ एम आई, एंड मैंने सोचा कि उसको सपोर्ट दिखा दूं। अभी हम लोग फाइट कर रहे हैं, देख रहे हो 20 बॉल में 20 में 20 बॉल में 20 और अगर सोच अभी से 15 मिनट बाद पता चला कि हार गई, वो छोड़ो इससे हार गई तो छोड़ो, अभी से 5 मिनट बाद पता लगा धोनी बैटिंग पे आ गया, मेरा तो दिल टूट गया। वो भी आउट हो गया। आउट तो छोड़ो, मेरे को देखना था भाई बस बैटिंग करते हुए। कोई बात नहीं, हम तेरे को वो उस पे दिखा देंगे, फाइनल्स में वापस मोबाइल भी दिखा देंगे, फाइनल्स में आ जाएंगे। लेकिन कैसा था आज का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया। अंदर तुम लोग बैठे थे, अंदर इतना मजा नहीं आया होगा, हम लोग बाहर बैठे थे ना, बाहर क्या वाइब था भाई। क्या बाहर में वाइब एक्सपीरियंस कर चुका हूं, मतलब हेड बहुत डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट। अगली बार ऐसा लग रहा मैं ऑफिस में आ गया, सभ्य लोगों के साथ बैठे थे हम। लेकिन अगली बार गाइस हम 4000 वाले में देखेंगे भाई, वो अलग ही फन रहता है। बनियान पहन के आएंगे ताकि गर्मी ना लगे और फुल वाइब मजा लेंगे। 40000 का टिकट लेके स्टेयरकेस पे बैठे थे भाई, एंजॉय कर रहे। मैं भी खुद जो है भाई वाइब लेने के लिए बाहर आया, लेकिन गाइस बहुत मजा आया। एंड देखते हैं अगर कोई और भी आगे जो है, अगर स्नैक्स ने बोला है मेरे को एमआई वर्सेस आरसीबी में स्पॉन्सर करेगा टिकट, अगर उसने कर दिया तो मैं दोबारा से जाऊंगा आरसीबी वर्सेस एमआई देखने, एंड इट विल बी अनदर एक्सपीरियंस फॉर मी। होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक और कमेंट करना, एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, एंड मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करो, बीप कर देना। तो यस एडबिट थक को भी कर दीजिएगा, एसएटयूएल सिट को भी कर दीजिएगा, आदित्य ठाकुर एडिट्स को मत करिएगा, बस सब्सक्राइब इंस्टा फॉलो कर दीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कर दीजिएगा। यस चैनल हम बेचने का सोच रहे हैं, मिलते हैं गाइस आप लोगों से अगले व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, टाटा गाइस।